मकर संक्रांति पर्व पर श्रद्धालुओं ने कोहरे और सर्द हवाओं के बीच संगम में आस्था की डुबकी लगाई और दान पुण्य किया। श्रद्धालु भोर से ही ठंड और कोहरे के बीच गंगा में स्नान करने के लिए घाटों पर पहुंचने लगे। प्रयागराज में संगम क्षेत्र के घाट तक गंगा में स्नान करने वालों की भीड़ रही। गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने उड़द, काला तिल, तेल, काले वस्त्र, लोहा, काली खड़ाऊं, काला छाता, चने की दाल, पीला लाल, काला एवं हरा वस्त्र, हल्दी, पीला फूल फल, लाल चंदन, गेहूं, गुड़, तांबा, मसूर, घी आदि दान किए। गौरतलब हो कि मकर संक्रांति पर्व इस बार 15 जनवरी सोमवार को उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रविवार 14 जनवरी की देर रात 2:44 पर सूर्यदेव धनु से मकर राशि में प्रवेश कर गए हैं। ऐसे में ये त्योहार मकर संक्रांति उदया तिथि में 15 जनवरी को ही मनाया जा रहा है। पर्व इस बार खास व्यतिपात योग शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि शतभिषा नक्षत्र में है। ज्योतिषविदों के अनुसार मकर संक्रांति पर्व पर 77 सालों के बाद वरियान योग और रवि योग का संयोग भी बन रहा है। इस दिन बुध और मंगल भी एक ही राशि धनु में विराजमान रहेंगे। लगभग 5 साल बाद मकर संक्रांति सोमवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में भगवान सूर्य के साथ महादेव का भी आशीर्वाद मिलेगा।